वेल गुड मॉर्निंग गाइस विद दिस ब्यूटीफुल व्यू एंड मैं स्टे कर रही हूँ इस अभी डैनी की प्रॉपर्टी के साथ एंड द व्यू इज़ मार्वेलस और आई एम ऑलरेडी लेट फॉर एवरीथिंग सो आई एम गोना टेल यू अबाउट दिस रूम फर्स्ट ऑफ ऑल ठीक है सो दिस एक्चुअली मतलब बिल्कुल रोशनी का शेडेड रूम है सो यू नो मतलब ओपन ऊपर से सो रोशनी पूरी ऐसे आती है नो नीड ऑफ लाइट्स एंड सभी कपड़े सारे फैले हुए हैं हम लेट आज उठने में एंड यू नो दिस इज कैफे बेला मेरे बिल्कुल सामने यू कैन गेट द ब्रेकफास्ट देयर मतलब फूड इज अवेलेबल देयर एंड आई एम गोना स्टार्ट दिस डे विद यू नो आज लोकल एक्सप्लोर करके मैं नहा लेती हूँ पहले बिकॉज हम लेट फॉर द बाथ बेस्ट बात पता है इस प्रॉपर्टी के साइड में जस्ट रिवर बह रही जैसे कि तुम्हें याद होगा गाइस की ओल्ड मॉन्क के साइड में बिल्कुल रिवर बह रही थी ऐसे इस प्रॉपर्टी के साइड में बिल्कुल रिवर बह रही है एंड दिस ग्रीन एंड रेड वन इज द प्रॉपर्टी और ये मेन रोड को रास्ता जाता है लाल मैं रिवर की तरफ जा रही थी चप्पलों में फिसलते फिसलते क्योंकि वो था मैं पानी भरूँगी आज रिवर से डायरेक्ट सो ब्रेकफास्ट विद दिस व्यू एंड विद चीकू तो उदास बैठा हुआ है आज क्योंकि उसने हरकतें करी होगी इसने बांधा हुआ है उसको कूड़ा खाने लग गया वो बच्चा एंड दिस इज कोल्ड कॉफी दिस इज सैंडविच मैं जा रही हूँ बालू एंड मेरे साइड में हाँ बाहू सो मेरे साइड में ये जो जगह है ये भी बहुत फेमस है मैं इसका नाम जरूर मेंशन करूंगी चल सीधा ही चलते हैं बाहू के लिए अभी आते हुए रुक जाएंगे यहाँ पे एंड बाहू यहाँ पे गाड़ियाँ अब जा रही हैं क्योंकि इन्होंने सीमेंटेड रोड कर दी नहीं तो लास्ट टाइम जब ए स्टार लेकर आई थी ना तो यहाँ पे पूरा मिट्टी थी और मेरी ए स्टार 2 से 3 बार स्टक हो गई थी बहुत बुरी तरीके से एंड स्टिल मतलब इनकी रोड सीमेंटेड नहीं हुई है मतलब पूरा मिट्टी वाला रोड है ये जाएगी मैं निसान चला मतलब बस इस वक्त निसान में इग्नाइट है और ये जाएगी बिकॉज ए स्टार नहीं गई थी इस रास्ते पर बट यू मॉन्ट बिलीव इस रास्ते पे ऑल्टो जैसी गाड़ियाँ चलती हैं एंड ये रास्ता ना जनवरी फरवरी में बहुत ख़तरनाक सा हो जाता है जस्ट बिकॉज उस टाइम पे मौसम बहुत सारा स्नोफॉल का होता है ना एंड यहाँ से बाहू फेमस क्यों है सबसे पहले मैं पहुँच के बताऊँगी दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट बाहू फेमस क्यों है बाहू क्यों जाना चाहिए एक तो यहाँ पे मान्यता है बिकॉज कुछ मतलब इनकी मतलब वो आते हैं देवता और दूसरा बाहू क्यों फेमस मैं आपको पहुँच के बताऊँगी सो गाइस हम पहुंच गए हैं बालू टेंपल एंड बालू टेंपल ना और आप यहां से सामान भी ले सकते हैं हां ले सकते हैं तो मैं यहां सेकंड टाइम आ रही हूं राकेश के साथ हूं मैं इस वक्त मेरा कैमरामैन राकेश और मैं बस कर मैं को एडिटिंग बहुत ज्यादा करनी पड़ेगी कंजर मेरा कैमरामैन राकेश और मैं देख रहा है देख रहे हो जब कोई ज्यादा बकवास करने लगता है ना तो अपने आप ही चलो यहाँ की मतलब बाहू जो है वो विलेज है तो वो नीचे रह गया है जहाँ पे सरोवर था मतलब लेक थी अभी सरोवर नहीं लेक थी और हम आ गए ऊपर यहाँ पे गाड़ी लाना थोड़ा सा टफ है क्योंकि वन वे रास्ता है तो कोई बैकअप नहीं है अगर आप ऊपर गाड़ी ला रहे हो तो एटलीस्ट देख कर लाओ अगर आप अच्छे ड्राइवर हो तो क्योंकि लास्ट टाइम मैंने गाड़ी नीचे पार्क करी थी जब मेरे पास ए स्टार थी इस बार निशान ऊपर तक आई है एंड यहाँ पे पता है इनके देवता आते हैं लास्ट टाइम जब जनवरी में आई थी ना तो इनके देवता आए थे तो वो मंदिर में इनके देवता आते हैं पीछे जनवरी में आते हैं ना आपके यहाँ पे देवता और फिर मिलना जैसा
सितंबर में भी? अच्छा, क्या नाम आते हैं, कौन से देवता आते हैं यहाँ? अनंत भावनाथ। अनंत भावनाथ सिंह ऋषि यहाँ पे नहीं आते? अच्छा, ये पूरा दूसरा है यहाँ का जी, जिब्बी से हटकर है यहाँ के देवता। वैसे बालो टेंपल का नाम है जगह का? अनंत बालो नाम के नाम से ही पड़ा है यहाँ, अनंत बालो टेंपल नाम। ठीक है, और जगह का क्या नाम है? बालो, 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 बालो जगह का नाम भी है ना? हाँ, मैं तो बोलती हूँ कोई सुनता ही। नीचे बाहु विलेज है, जो नीचे है वो बाहु है ना? मैं तो फर्स्ट डे से बोल रही थी बालो चलेंगे। चल चल चलो अपना काम करो। ये जो है ये बालू महाराज का, आनंद बालू बालो का मंदिर है। आनंद बालू नाथ, आनंद बालू महाराज नाथ, आनंद बालू नाथ महाराज। एक ही बात है, महाराज तो महाराज ही है। लड़कियों लड़कियां ना मतलब बाल बड़े रखे, पता नहीं क्या सोचते हैं, स्टाइल से पीछे करेंगी। जाओ जल्दी से, कैमरा रोको एक बार। सो गाइस, ये जो है ना, ये सरोवर का पानी पिया जाता है यहाँ पे, मतलब ये लेक का, सॉरी सरोवर याद आ रहा है मुझे, ये लेक का पानी पिया जाता है। इनको बहुत शुद्ध माना जाता है यहाँ को, क्योंकि जब यहाँ पे फेस्टिवल होता है ना तो लेक का पानी पीते हैं। दीदी पूछती है शीप आप दिल नहीं पालते? मैंने कहा दिल्ली में कौन सी शीप पाली जाती है। जब आप लोग बालू आ रहे हो तो ये लास्ट डेस्ट मतलब स्पॉट है यहाँ का, एंड यहाँ लोग बहुत आते हैं, इस जगह को माना जाता है बहुत ज़्यादा, एंड लोहा दान किया जाता है जगह पे जब उनकी कोई विश पूरी होती है। मैंने लास्ट टाइम यहाँ पे बहुत कम लोहा का वो देखा था, बट इस बार कुछ ज़्यादा ही त्रिशूल है पिछली बार से। क्योंकि जब किसी की विश पूरी होती है ना तो वो यहाँ के लोहे दान करते हैं। सो गाइस, मैं फिर से बता देती हूँ, लास्ट टाइम जब मैं टेम्पल में आई थी तो उसके गेट खुले हुए थे, तो अनंत क्या नाम है, अनंत 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 बालो नाग पूरा नाम है, नाथ नहीं नाग, तो नाग देवता माना जाता है उनको, तो वो आते हैं। और यहाँ पे सब बहुत बड़ी सेलिब्रेशन होती है, ये खुलता है, ये सामला खुलता है एंड जनवरी और सितंबर में, तो आप आ सकते हो उनके फेस्टिवल्स देखने उस टाइम पे। अच्छा, राय पुदीना की हरी चटनी, धनिया हम भी बनाते हैं घर पे, ये हरी चटनी मिर्च का मिला करके, सब कुछ होता है इसमें, लाल लाल मिर्च नहीं डलती, लोकल चटनी होती है। मेरे डैडी बनाते हैं डोरी डंडा से, वो पत्थर का मर्तबान होता है ना, उसमें डंडे के साथ कूट कूट के मारे होते सेल ना उससे। मेरे हमारे वहाँ पे छोलिया भी होते हैं ना, छोलिया, तो छोलिया की चटनी बनती है। So, बड़े बड़े फूल होते इसके। अच्छा, सो वैसे ये ब्रॉस का बना हुआ है, यहाँ देखो। अच्छा, यही वाला है? तो ये आपने लोकल बनाया अपना? हाँ, ये लोकल रोड स्क्वैश। अच्छा, इसी रोड स्क्वैश फ्लावर का होता है। ओके, आई एम ट्राई दिस। कैसा था वैसे? बढ़िया, फूलों का टेस्ट आया? हाँ, हाल फिलहाल तो सांस चढ़ी हुई है। लोकल से डू हम जो ट्राई करने वाले हैं, पहला ये ट्राई करेगा लड़का, चम्मच से ट्राई करेगा। क्या 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 मैं फीलिंग अच्छी है। शक्ल के एक्सप्रेशन से होते हैं। सो गाइस, ये जो लेक है ना, जब आप बालों के लिए जा रहे होगे तो आपको रास्ते में मिलेगी, और पीछे यहाँ पर शेषनाग जी का टेम्पल है, तो इस लेक का भी पानी मतलब बहुत शुद्ध माना जाता है,
तो आप जब नीचे की तरफ जाते हो ना तो पानी पीने के लिए यहाँ पे से तो यहाँ मतलब जूते उतार के जाए जाते हैं। इसको भी एक्चुअली होली वाटर कंसर्न किया जाता है। खैर मैं जा रही हूँ वापस नीचे की तरफ और मैं जा रही हूँ जिप्पी, और हमें भी 20 मिनट लगेंगे यहाँ से जिप्पी पहुँचने में। सो ये जो कॉटेज था यहाँ का सबसे पुराना कॉटेज है पाइन का बना हुआ। वेल थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, और अगर आप यहाँ रुकना चाहते हैं तो कॉस्ट होगी अराउंड 1500 से लेके 3000 तक की कॉटेज में।